रात का समय होता है। चिंटू अपनी माँ टोनी से बात कर रहा होता है। मम्मी मम्मी, कल दिवाली है ना, ये दिवाली क्यों मनाते हैं? बेटा, प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसीलिए मनाते हैं। मम्मी, हमें तो पटाखे चाहिए, बहुत सारे पटाखे, फूलझड़ी, अनारदाना, रॉकेट, मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए। हाँ हाँ, कल हम मार्केट चलेंगे तो आप पटाखे ले लेना, ठीक है? मम्मी, मुझको ना वो पटाखे चाहिए जो बहुत दूर तक जाते हैं। हाँ हाँ, ले लेना, वही पटाखे ले लेना। जाओ, मुझे अब काम करने दो। कल सभी रिश्तेदारों के घर मिठाई भिजवानी है, गिफ्ट भेजने हैं और घर की सफाई भी तो करनी है। अभी बहुत सारा काम करना है मुझे। मम्मी, ये तो वही गिफ्ट है ना जो पिछले साल टुनटुनी आंटी ने दिया था आपको? हाँ, ये वही है, मैंने तो यूज़ नहीं किया। कल जाकर इसे रूबी आंटी को दे आना। मम्मी, ये तो पुराना गिफ्ट है ना पिछले साल का? पुराना गिफ्ट किसी को नहीं देते, ये तो गलत बात होती है ना? चुप करो तुम, सब ऐसा ही करते हैं। हमें जो पिछले साल कोवी आंटी ने गिफ्ट दिया था, वो उससे पिछले साल हमने उन्हें दिया था, उनने हमारा गिफ्ट हमें ही वापस कर दिया। सब ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के गिफ्ट ही देते रहते हैं। मम्मी, आप चलोगे ना कल मार्केट? मुझको बहुत सारे पटाखे लेने हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स लेकर आएंगे। हाँ हाँ, चलेंगे, चलकर पटाखे ले लेना। जाओ, अब जाकर सो जाओ। तभी टोनी का पति राजू वहाँ आता है। कल हम बस दिए जलाएंगे और कुछ नहीं, बस फूलझड़ी जला लेंगे और उसके अलावा कोई पटाखा नहीं आएगा। पता है ना कितना प्रदूषण फैलता है, इन सब से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत से बच्चे तो खुद को ही जला लेते हैं, इन पटाखों के चक्कर में कोई पटाखे नहीं आएंगे। अजय, तुम भी ना, बच्चा ही तो है, बच्चों के लिए ही तो होती है दिवाली, एक दिन की तो बात है, कुछ नहीं होता, हम ले आएंगे पटाखे। पापा प्लीज़, मुझे पटाखे जलाने हैं, मुझे पटाखे लाने दीजिए ना, मेरे सारे फ्रेंड्स लाएंगे। बेटा, सब गलत करेंगे तो क्या आप ही गलत करोगे? हमें गलत नहीं करना है, पटाखे हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। हम आपको मिठाई ला कर देंगे, बहुत सारी अलग अलग तरह की, आप वो खाना। मम्मी, मुझे तो पटाखे ही चाहिए, कहिए ना प्लीज़ पापा से, मुझे पटाखे ही चाहिए। अच्छा, आप भी ना, रहने दीजिए, बच्चे का मन है तो लाने दीजिए ना। चिंटू, कल मेरे साथ घर की सफाई कराना, फिर उसके बाद हम मार्केट चलेंगे, तुम पटाखे ले लेना। ठीक है मम्मी। जाइए, सो जाइए जाकर अब। टोनी, तुम क्यों उसे बिगाड़ रही हो? पटाखे सही नहीं है और तुम कल पटाखे नहीं लाओगी। बच्चा ही तो है, धीरे धीरे समझ जाएगा। आप भी ना, चलिए सो जाते हैं। अगली सुबह चिंटू और टोनी दोनों मिलकर घर की सफाई करते हैं। मम्मी, घर की सफाई तो हो गई, अब मार्केट चलते हैं, हम पटाखे लेकर आएंगे। दोनों बाजार जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे पटाखे खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। चिंटू, ये गिफ्ट रूबी आंटी को दे आओ जा करके। चिंटू गिफ्ट लेता है और रूबी के घर चला जाता है। रूबी आंटी, दरवाजा खोलिए। रूबी आंटी, कौन है, कौन आ गया इस टाइम? रूबी आंटी, मैं चिंटू हूँ, मम्मी ने भेजा है मुझे, दरवाजा खोलिए। अच्छा, आती हूँ, रुको। रूबी दरवाजा खोलती है। आओ बेटा, बैठो, बताओ क्या बात है? आंटी, मम्मी ने ये गिफ्ट भेजा है और मिठाई भेजी है आपके लिए, हैप्पी दिवाली आंटी। मन ही मन में रूबी कहती है, भेज दिया होगा किसी का पुराना गिफ्ट, वैसे भी पुराना ही भेजती है वो हर बार। ठीक है बेटा, तुम बताओ कुछ खाओगे? रसमलाई है आंटी, मैं वही खाऊंगा। बेटा, रसमलाई तो नहीं है। बेटा, कुछ और खाओगे? कुछ और खा लो। आंटी, रसगुल्ले हैं मीठे मीठे, वो होंगे तो मैं वो खा लूँगा। बेटा, तुम्हें तो पता है ना मुझे डायबिटीज़ है, मैं कहाँ खाती हूँ इतना मीठा, नमकीन है, अगर खाओगे तो बता दो। नहीं आंटी, मैं नहीं खा रहा नमकीन, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, अगली बार आना, ठीक है? चिंटू अपने घर आ रहा होता है, वो रास्ते में कहता है। आंटी बहुत कंजूस थी, पूछा सब कुछ लेकिन खिलाया कुछ भी नहीं। सही किया मम्मी ने इन्हें पुराना गिफ्ट दिया तो, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। चिंटू अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ टोनी उससे कहती है,
दे आया आंटी को गिफ्ट? हाँ मम्मी, मैं आंटी को गिफ्ट दे आया। आंटी आंटी ना बहुत ही कंजूस है मम्मी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। बेटा, अगर दिवाली पर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कुछ लेते हैं। दिवाली में हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं सोचते, बहुत गलत बात है। ठीक है मम्मी। मम्मी मेरे पटाखे कहाँ हैं? हाँ वो रखे हैं, शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ जला लेना। शाम हो जाती है, रूबी, टोनी, टुनटुनी और चिंटू के सारे मित्र साथ में मिलकर पटाखे जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। सब बहुत खुशी खुशी फुलझड़ी जलाते हैं। चिंटू अपने मित्र सोनू से कहता है, देखो मेरे पास बड़ा वाला रॉकेट है, इसे जलाऊंगा ना बहुत ऊपर तक जाएगा। हाँ जलाओ इसे, हमें भी देखना है ये कहाँ तक जाएगा। चिंटू रॉकेट जलाने के लिए आग लगाता है, तभी रॉकेट बहुत तेज से चिंगारी छोड़ता हुआ फट जाता है। चिंगारी से चिंटू का हाथ जल जाता है। मम्मी मम्मी मेरा हाथ जल गया, मम्मी मम्मी देखो मेरा हाथ जल गया। ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरे बेटे का हाथ कैसे जल गया? आंटी इसने रॉकेट में आग लगाई थी तो रॉकेट फट गया और इसका हाथ जल गया। चलो बेटा तुम रुको, मैं दवाई लाती हूँ। टोनी घर से दवाई लाती है और जले हुए पर लगाती है। टोनी का पति टोनी से कहता है, मना किया था ना पटाखे लाने के लिए पर तुम नहीं मानी, तुमने देख लिया ना पटाखों से क्या होता है। उसने खुद को ही जला लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे बेटे की जान भी जा सकती थी। पापा सॉरी, अब कभी आपकी बात नहीं टालूंगा, सारी बातें मानूंगा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, पर याद रखना दिवाली सबके साथ और खुशियां बांटने से मनाई जाती है, पटाखों से नहीं। दिए जलाओ और दिवाली मनाओ। हैप्पी दिवाली।